तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ लेटेस्ट कॉस्मेटिक सेट, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे है लेटेस्ट बार्बी डॉल सेट। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये कॉस्मेटिक सेट होने वाला है। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 250 रुपए के आसपास मुझे मिला है, और दोस्तों ये लेटेस्ट पीस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ब्यूटी गर्ल, प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 200 रुपए के आसपास मुझे मिली है एक पीस। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न लेना चाहो तब भी ये ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है फनी सीरीज़, इसके दोस्तों प्राइस की मैं बात करूँ तो ये कुछ 150 रुपए के आसपास मुझे मिला है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रेजी टॉयज। तो लास्ट वीडियो जो देखा तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को परचेज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को ज़रूर पूरा करोगे। चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते, फर्स्ट में यहाँ पे ये जो फनी सीरीज कॉस्मेटिक सेट है उसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। और ये लेटेस्ट पीस है दोस्तों, तो यहाँ से ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो जितना भी सामान था कॉस्मेटिक का वो मैंने निकाल दिया। फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे कैंची की बात करूँगा मैं। गाइस ये जो वाली कैंची है वो आप लोगों ने बहुत बार देखी हुई है, क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोलर कंघी हमें मिलने वाली है, तो इसकी भी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बेस्ट है, और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त है। और यहाँ पे दोस्तों हमें मेकअप सेट मिलने वाला है, बहुत ही छोटा सा और लेटेस्ट दोस्तों मिला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पीक लगा हुआ है, और ये जो स्टिक है दोस्तों वो निकलती है। यहाँ पे मेकअप दोस्तों रखा हुआ है, ये स्टिकर है, रियल दोस्तों मेकअप है नहीं। और कुछ इस तरीके से आप लोग बंद करना चाहो तो कर सकते हो, ये देखिए ये आसानी से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिरर टेबल मिलने वाला है, तो ये भी दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, क्वालिटी फिनिशिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक हेयर पिन मिलने वाली है, ये भी दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखी हुई है। प्लास्टिक क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो थोड़ा सा रह गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्वीन कंघी, तो ये भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी इसकी भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग पैटर्न और फिनिशिंग देख सकते हो काफ़ी बेस्ट। यहाँ पे हमें एक हेयर पिन मिलने वाली, ये जो वाली हेयर पिन है वो आप लोग रियल में यूज़ कर सकते हो, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पे एक नॉर्मल कंघी है, तो ये भी दोस्तों आप लोग यूज़ करना चाहो बार्बी वगैरह पे कर सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी बढ़िया स्टाइल और प्लास्टिक क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त। और यहाँ पे हमें ब्यूटी क्रीम मिलने वाली है, कौन से ब्रांड की है वो तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो काफ़ी बेस्ट। और यहाँ पे दोस्तों वाटर स्प्रे हमें मिलने वाला है, तो आप लोगों ने दोस्तों ब्यूटी पार्लर और सलून वगैरह में ज़रूर देखा होगा इसको, तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त है और कलर भी काफ़ी बढ़िया। और लास्ट में दोस्तों हमें मेकअप किट या फिर मेकअप ब्रश सेट भी आप लोग कह सकते हो, तो इसमें दोस्तों अलग अलग ब्रश मिलते हैं, बड़ा वाला ब्रश है यहाँ पे, एक छोटा वाला और छोटा वाला, बहुत ही ज़्यादा छोटा वाला। और ये जो हाईब्रो के लिए दोस्तों ब्रश होता है वो भी हमें मिलने वाला है, तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, फिनिशिंग भी काफ़ी बेस्ट है। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे ब्यूटी गर्ल की, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं ओपन। गाइस ये जो वाली डोल है वो मैंने पहले दिखाई हुई है वन पीस वाली, लेकिन जो क्वालिटी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहती है। तो ये जो वाली डोल है वो कुछ यूनिक मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ कलर का ही दोस्तों फ़र्क है, बाकी सब दोस्तों सेम ही जैसा है। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि इसमें आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, वो जो वाली डोल थी वो ये वाली थी, फिर इसके बाद ये वाली लास्ट वाली आप लोग देख सकते हो, ये वाली सेम टू सेम जैसी है। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल दोस्तों ये डॉल होती है। यहाँ पे ये देखिए पैर दोस्तों नॉर्मली मूव करने वाले हैं इसके, ये देखिए पैर वगैरह आप लोग मूव करवा सकते हो, और यहाँ पे ये वाला पैर आप लोग देख सकते हो ये भी मूव करने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो इसके हैंड है वो भी आप लोग नॉर्मल तरीके से मूवेबल कर सकते हो, ये देखिए जिस हिसाब से दोस्तों आप लोग मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। यहाँ पर इसका जो सिर है वो भी मुड़ रहा है। और दोस्तों ड्रेस की क्वालिटी की मैं बात करूँ ना तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट ड्रेस हमें मिलने वाला है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक नेकलेस भी है डायमंड का, फिर यहाँ पे दोस्तों इयररिंग्स भी दोस्तों आपको मिलने वाली है बड़ी बड़ी वाली, ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी वाली है। और दोस्तों जो इसके हेयर है वो आपको काफ़ी लंबे और ब्लू कलर के मिलने वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो क्वालिटी वगैरह दोस्तों काफ़ी बढ़िया है डॉल की प्राइस के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे बार्बी कॉस्मेटिक सेट की।
तो गाइज यहाँ पे जितना भी सामान है वो दिखाया गया है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे नेम के साथ है, मिरर है, हेयर ड्रायर सब कुछ है। तो फटाफट से इसको मैं कर लेता हूँ कट। तो गाइज पूरा का पूरा जो दोस्तों कॉस्मेटिक सेट है वो निकल चुका है। छोटी मोटी चीज़ों से दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे दो रबड़ बैंड मिलने वाले हैं, क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये आप लोग रियल में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये ब्लू और ये है पर्पल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें नेल पॉलिश मिलने वाली है, तो ये सिर्फ सोप इसके लिए है, इसमें वाटर वगैरह फिल कर सकते हो लेकिन यहाँ से ये लीकेज हो जाएगा, तो इसकी भी क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बेस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेयर पिन मिलने वाली है बड़ी वाली, तो इसकी भी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, फिनिशिंग भी काफ़ी बेस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ से ये टूट जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट। फिर यहाँ पे हमें न्यू स्टाइल में कंघी मिलने वाली है, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बेस्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे है हमारा मेकअप बॉक्स। तो गाइस मेकअप बॉक्स दोस्तों जैसा मिलता है वैसा ही मिलने वाला है, इसमें कोई भी रियल वियल मिलने वाला है नहीं, लेकिन जो फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है और स्टिक दोस्तों निकल दिया, कुछ सोपीस वगैरह में आप लोग खेल सकते हो। और यहाँ पे इसकी डिज़ाइन वगैरह भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, काफ़ी मस्त यह डिज़ाइन है। और यहाँ पे दोस्तों दो हेयर पिन हमें और मिलने वाली, ये है दोस्तों फ्लावर कैरेक्टर में और ये है बटरफ्लाई कैरेक्टर में, तो आप लोग क्वालिटी वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त। ये भी दोस्तों आप लोग रियल में यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से ये बन हो जाती है, ये देखिए काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक नॉर्मली मिरर मिलने वाला है जो आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। स्टाइल वगैरह दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो। और क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे ये मिरर का स्टिकर लगा हुआ है तो काफ़ी यार बढ़िया। और यहाँ पे दोस्तों एक और हमें कंघी मिलने वाली है बटरफ्लाई स्टाइल में, लेकिन ये यार काफ़ी मोटी और काफ़ी गजब की है यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े वाले दांते हैं, इसकी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें दो रोलर मिलने वाले हैं हेयर वगैरह को दोस्तों कर्ली करने के लिए, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये देखिए दोनों के दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमें ब्यूटी क्रीम दोस्तों मिलने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें भी आप लोग वाटर वगैरह फिल करना चाहो तो कर सकते हो। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी भी काफ़ी मस्त यह डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे है हमारी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक दोस्तों कोई रियल मिलने वाली है नहीं, बहुत बार आप लोगों ने देखी हुई है ये वाली लिपस्टिक, तो सेम ही जैसी दोस्तों रहती है, प्लास्टिक क्वालिटी फिनिशिंग काफ़ी बेस्ट है। और लास्ट में है हमारा हेयर ड्रायर, तो हेयर ड्रायर आप लोग देख सकते हो और काफ़ी कमाल का। और इसकी दोस्तों जो स्विच है ना वो देखिए, जैसे कि रियल काम कर रहा हो ना वैसे ही मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नॉर्मली निकल जाता है। तो क्वालिटी और फिनिशिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, दूर से तो दोस्तों ऐसा ही लगने वाला है कि ये रियल है, लेकिन ये देखिए इसमें कट कट की आवाज़ भी आती है, ये देखिए यार काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी मस्त है। और लास्ट में दोस्तों इन सभी चीज़ों को कैरी करने के लिए हमें एक बैग मिलती है प्यारी सी, तो इसकी भी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक का सामान जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे वीडियो भी तो खत्म हुई नहीं है, लास्ट में दोस्तों इन तीन सेट का सेटअप दिखाने वाला, तो प्लीज़ लास्ट वीडियो जो देखा आप लोगों दोस्तों ये जो वाले प्रोडक्ट है उनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी दोस्तों कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे। फिर भी दोस्तों आप लोग इनमें से एक दो परचेस करना चाहते हो तो मैं सजेशन देने वाला हूँ, बैग वाला कॉस्मेटिक सेट है वो आप लोग परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। इसमें से दोस्तों कुछ सामान आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो और क्वालिटी वगैरह तो काफ़ी बेस्ट मिलने वाली है, और साथ में एक प्यारा सा बैग है। इसके बाद दोस्तों ये जो वाली डॉल है वो आप लोग परचेस करना चाहो तब भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलने वाली है। ये भी दोस्तों टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सिलिकॉन की पूरी डॉल है। इसके बाद दोस्तों ये जो वाला सेट है वो भी आप लोग परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक दोस्तों चलने वाला है नहीं, कभी ना कभी ये टूट जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.